साथ मौजूद हैं दीपेंद्र बधौलिया, स्वर्गीय श्री मोतीलाल बधौलिया के पुत्र, जो कि राटनगर में एकता के प्रतीक थे, और आज हम उनसे करेंगे चर्चा। श्री दीपेंद्र बधौलिया, जैसा कि बधौलिया जी आपको पता है कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये सलाह दी है कि दोनों पक्ष आपस में बैठ के इस मुद्दे को निपटा लें, और अगर वो निपटाने में इसको असमर्थ है तो उसमें माननीय सुप्रीम, माननीय उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता भी कर सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? माननीय उच्चतम न्यायालय जो कहा है कि एक सराहनीय कदम है, इस पर दोनों पक्षों को बैठा के समझौता कराना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम मसला न रहे और वहाँ का समस्या जो है वो हल हो जाए, वहाँ पे मंदिर भी बन जाए, मस्जिद भी बन जाए, और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बैठा रहे वहाँ का आपस में निर्णय करना। बहुत बहुत माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये पहल की है, ये बहुत ही अच्छी पहल की है, और ये दोनों पक्षों को बहुत अच्छा मौका दिया है कि बैठ के बात की जाए, ताकि हमारे यहाँ तो जो उच्चतम न्यायालय ने जो बोल दिया है वो तो सर्वोपरि है, पर अगर आपको पहल करने के लिए कहा जा रहा है दोनों पक्षों को, तो पहल करनी चाहिए। और इस मुद्दे को काफी टाइम हो गया है, जो लोग इसमें अपनी राजनीति चला रहे हैं, इस चीज को खत्म करने का एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग विकास की तरफ अग्रसर हों और इस मुद्दे को यहीं खत्म किया जाए। अगर ये मुद्दा खत्म नहीं होता है तो कोर्ट इसमें आदेश करे कि उस जगह पे या तो कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस बना दी जाए कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग उस चीज का इस्तेमाल कर पाए। माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता के मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है दोनों समुदाय के लोगों को बैठने के लिए और एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना के बात करने के लिए, उसका मैं तहे दिल से माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देता हूँ। इससे बड़ी आगे कोई पहल ना होगी ना हो पाएगी। आज हमारे पास वो टाइम है जिसको हम इस मामले को सॉर्ट आउट बहुत कायदे से बैठ के समझौते से कर सकते हैं, और ये निर्णय हम आपको जल्द से जल्द लेना होगा, जिससे कि हम आप एक बहुत ही अच्छे माहौल में बच्चे और हम पल बढ़ सकें। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो सलाह दी है दोनों लोगों को बैठ करके इसमें हल निकालना चाहिए। इसमें राजनीतिक लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे और इसको इसी समय जो है बैठ करके खत्म कर लेना चाहिए, जिससे आपस में हिंदू मुस्लिम में जो बैर मनस्था हो रही है वो जो है खत्म होना चाहिए। क्या है जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के हर नागरिक के लिए सम्माननीय है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है वो समाज और देश के लिए बेहतर है, और हम तो यही चाहेंगे कि ये बेहतर होगा कि लोग आपस में बैठे और पिछली कहानियों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर कोई हल निकलता है तो जाहिर है कि ये देश और समाज के लिए अच्छे। दिलों को जीतना बहुत आसान भी है, मुश्किल भी है, और ये दो लाइनें एक शेर है मेरा कि बदोरे कुवते बाजू किसी का दिल नहीं झुकता, बदोरे कुवते बाजू किसी का दिल नहीं झुकता, मोहब्बत से दिलों को जीतना आसान होता है।